हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि वास्तव में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और लेवल इसका जो है वो किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री हो या फिर आपका पेट हो या एसएससी की, या आप तैयारी कर रहे हो जैसे एसटेट की, सुपर टेट की, या किसी भी चीज की, अगर परीक्षा की आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो के अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान देंगे कि यहां जो है चार युग्म दिए गए हैं ए बी सी डी के अंतर्गत, और इन्हीं में से एक कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, मतलब उसके सामने जो दिया गया है वो उससे मेल नहीं खा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा दयानंद, तो दयानंद सरस्वती पूरा नाम है दयानंद सरस्वती, लेकिन इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है मूल शंकर, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और इनके गुरु का नाम है विरजानंद। क्या नाम है? विरजानंद, स्वामी विरजानंद। इनके जो गुरु हैं वो हैं स्वामी विरजानंद, में पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये संबंधित है किससे? आर्य समाज से। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जो समय काल था वो 1824 से 1883 था, और इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 ईस्वी में। कहां? बंबई में। इन्होंने बंबई में इसकी स्थापना की आर्य समाज की, और कब की? 1875 ईस्वी में। इनका मुख्य उद्देश्य था इस आर्य समाज की स्थापना से कि प्राचीन जो वैदिक धर्म है उसको शुद्ध रूप से पुनः स्थापित किया जाए। और 1877 ईस्वी में आर्य समाज में लाहौर में जो है आर्य समाज लाहौर की स्थापना हुई। आर्य समाज का ही जो है आर्य समाज लाहौर, देखिए बाद में ऐसा हुआ कि आर्य समाज में दो धाराएं स्पष्ट दिखने लगी, बाद में दो विचारधाराएं हो गई, और ऐसा हुआ कि एक पक्ष वाले जो है अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे और दूसरे जो थे वो संस्कृत शिक्षा के पक्ष में थे, तो संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो देखिए परिणाम यह हुआ कि लाला हंसराज जी ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जहां पर अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जहां भारतीय संस्कृति को अपनाकर संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया और इसकी शिक्षा भी वहां दी गई। तो देखिए दयानंद सरस्वती जी से इंपॉर्टेंट मैंने जो भी बातें थी आपको सब कुछ बता दी जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें कौन सा गलत युग्म है, कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से जो रिलेटेड यहाँ आर्य समाज दिया गया है ये तो इन्हीं का है, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की है, तो ये तो सही है। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए पांडुरंग। ए पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल राइट है। आगे हम बढ़ते हैं, अच्छा ए पांडुरंग का पूरा नाम क्या है? आत्माराम पांडुरंग, ए फॉर आत्माराम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? हिंदू धर्म के ये प्रथम सुधारक थे, प्रथम सुधारक थे, और इन्होंने क्या किया, प्रथम सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के ये प्रवर्तक थे,
तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि यहां क्या दिया गया है, आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, केशव चंद्र सेन। किसने की, केशव चंद्र सेन ने की। तो केशव चंद्र सेन जी को ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज के एक मात्र प्रन्यासी के रूप में जो केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया गया। और जब आचार्य की पदवी से निकाल दिया गया तो केशव चंद्र सेन जी ने क्या किया, एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया और उसको नाम दिया आदि ब्रह्म समाज। तो ये जो आदि ब्रह्म समाज है ये किससे संबंधित है, केशव चंद सेन से, केशव चंद्र सेन। तो यही जो है राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन राय से संबंधित क्या है, ब्रह्म समाज। विवेकानंद, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन, देख रहे हैं आप, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया भी है, परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल राइट है और कुल मिलाकर ये ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा युग्म है जो क्या है, सही सुमेलित नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको क्वेश्चन में ही मिल गई कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई 1861 में। और देखिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की, यहां पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है, राय अयोध्या प्रसाद साहब, स्वामी शिवदयाल सिंह जी, पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र जी, राय माधो प्रसाद जी। तो देखिए 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, महाराष्ट्र में किसने विडो रिमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया। तो हम देखेंगे यहां जो ऑप्शन दिया गया, आत्माराम पांडुरंग, महागोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, गोपाल कृष्ण गोखले। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र जब आए नाम तो आपको ध्यान आ जाए महा से मिलता हुआ महागोविंद रानाडे। तो देखिए यहां जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, महागोविंद रानाडे। तो महाराष्ट्र में किसने विडो रिमैरिज एसोसिएशन मीन्स विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया, कहां, महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान आपको रखना है, वहां चलाया महागोविंद रानाडे। जबकि विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हम किसको मानते हैं, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हम जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसी के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की वो महादेव गोविंद रानाडे ने की। और उन्हीं के प्रयत्नों से क्या हुआ, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जन्म हुआ, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ये तो अब ध्यान रखें कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, महागोविंद रानाडे ने, सॉरी महादेव गोविंद रानाडे ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जो क्या थे, इनके शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अब ध्यान देंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो इनके शिष्य थे, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महागोविंद रानाडे। अब गोपाल कृष्ण गोखले भी किसी के गुरु थे या इनको कोई अपना गुरु मानता था, तो वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है, आर्य समाज की स्थापना कहां हुई। अभी ही मैंने आपको बताया कि आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 ईस्वी में। कब हुई, 1875 ईस्वी में। और कहां हुई, बंबई में हुई। ऑप्शन नंबर ए,
क्यों हुई? कुल मिलाकर हिंदू जो हमारा हिंदू का जो प्राचीन वैदिक धर्म है इसी को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने के लिए, इसी को बचाए रखने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है 1906 मींस 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे, मतलब किनका श्रेय था पहली या प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, डी के कर्वे, एस एस बंगाली, वी एम मालाबारी। तो प्रोफेसर डी के कर्वे जी जो थे ये फर्ग्यूसन कॉलेज के क्या थे, प्राध्यापक थे, और इन्होंने हिंदू जो है हिंदू विधवाओं के उद्धार के प्रति इन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया, विशेष प्रयत्न किए। उन्होंने क्या किया, पूना में 1899 में इन्होंने एक विधवा आश्रम और 1906 में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो आप ऊपर देख रहे हैं अपने क्वेश्चन में, ये इन्होंने किया। मतलब 1906 में बंबई में जो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इसके पीछे जो थे वो थे डी के कर्वे, प्रोफेसर डी के कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज से संबंधित थे। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? तो देखिए 1813 के चार्टर की सबसे उल्लेखनीय जो विशेषता थी वो ये थी कि इस चार्टर के अनुसार 1,00,000 रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और साहित्य में सुधार के लिए और उनके पुनरुत्थान के लिए भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति तथा इसी के पुनरुत्थान के लिए अलग से रखा गया 1,00,000 रुपया वार्षिक। लेकिन हुआ क्या, इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता के विद्या प्रसार का बीड़ा उठाया था कि सरकार क्या करेगी, जनता को क्या करेगी, विद्या का प्रसार करेगी, मीन्स जनता को शिक्षित करेगी। तो हम देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा इसमें राइट होना चाहिए। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया इस नीति से, ये जो चार्टर एक्ट था 1813 का, इससे। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा से संबंधित यहां बात है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया? हंटर कमीशन की बात करें तो देखिए ये हंटर कमीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। 1882 में क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं कि 1980 में लॉर्ड रिपन जो है भारत गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तो इन्हें मतलब गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया गया था। किसको? लॉर्ड रिपन को। कब? 1980 में लॉर्ड रिपन थे गवर्नर जनरल, और इसी समय में उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा के विषय में कुछ नया सोचा और 1882 में एक कमीशन गठित किया। कब गठित किया? 1882। तो ये हंटर कमीशन जो है वो 1882 से रिलेटेड है, और ये जो कमीशन इन्होंने गठित किया ये भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया इस कमीशन को। इस आयोग को क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा आयोग। और इसमें जो है विलियम हंटर महोदय जी को कमीशन के सदस्य के रूप में जो थे इन्हीं को, मतलब विलियम हंटर जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, इस कमीशन के वो सदस्य थे, और इन्हीं के नाम से इसका नाम भी रखा गया हंटर कमीशन। क्यों हंटर कमीशन नाम क्यों रखा गया ये भी आप समझे। हंटर कमीशन नाम इसलिए रखा गया कि उसी कमीशन के एक सदस्य थे विलियम हंटर, और इन्हीं के, चूंकि इन्हीं को पूरा श्रेय जाता है, इन्हीं को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, और इन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम ही इसीलिए हंटर आयोग रख दिया गया। अब देखिए हंटर आयोग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा को नहीं, फिलहाल शिक्षा से संबंधित तो था ही,
लेकिन मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने की बात थी। तो अब हंटर कमीशन के अंतर्गत शिक्षा का मामला तो रहा, और इसी शिक्षा के मामले से संबंधित एक बात और निकल कर आती है कि इसी आयोग के अंतर्गत पंजाब विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब हुई, 1882 में, मीन्स 1882 में ही क्या हुआ, हंटर आयोग हुआ, और 1882 में ही क्या हुआ, पंजाब विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की। मतलब इस आयोग के अंतर्गत दो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं हंटर कमीशन जो रिलेटेड है वो किससे है, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, स्त्री शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, जबकि इसमें उच्च शिक्षा से कोई बात नहीं है, अर्थात उच्च शिक्षा से ये संबंधित नहीं है। विशेष जोर जो दिया गया था वो प्राथमिक शिक्षा को और किसको, प्राथमिक शिक्षा को और माध्यमिक शिक्षा को। तो हंटर आयोग से संबंधित और भी और सारी बहुत सारी बातें हैं जो आप बाद में पढ़ेंगे किसी वीडियो में। यहां पर मैंने जो थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मोरले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य क्या था। मोरले मिंटो सुधारों का जो भीतरी लक्ष्य था, मतलब ये क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, नरम दल वालों को सरकार के पक्ष में जुटाना, भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना। तो देखिए मेन तो यही है कि भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना। ऑप्शन नंबर डी, उग्रवादी आंदोलनों को विनष्ट करना, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यही थी कि भारत में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जाए, अर्थात हिंदू को मुस्लिमों से लड़ाया जाए। इसलिए मोरले मिंटो सुधारों का द्वारा जो प्रतिनिधि, जो इसके प्रतिनिधिक और निर्वाचित जो तत्व था उसमें कुछ ऐसा समावेश किया गया था। क्या हुआ इससे, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, मीन्स मुस्लिमों को जो है पृथक कर दिया गया, उनको उनको जो है अलग चुनाव के लिए उनको अलग व्यवस्था उनकी की गई। और इन सुधारों में मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच क्या किया गया, सांप्रदायिक भावना को उभारा गया ताकि ये जो है हमेशा लड़ते रहे। इसीलिए क्या हुआ कि एम मुंशी के शब्दों में, एक वर्ग को दूसरे वर्ग और एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विपरीत रखकर दोनों के प्रभाव को एक दूसरे से खत्म करा दिया गया, या करा दिए जाने का ही मुख्य उद्देश्य था मोरले मिंटो सुधार का। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहां राइट ऑप्शन होगा, भारत में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना इसका उद्देश्य था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वक्तव्य है, 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। अब देखिए इसमें कूट दिए गए हैं, पहले क्या है ये आपने दो बातें देखी, क्या क्या कि 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये बिल्कुल राइट है, और वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन बाद में बिल्कुल ऐसा था। लेकिन हम देखते हैं मुसलमानों को अंग्रेजों के सानिध्य में लाने में सर सैयद अहमद खान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब मुसलमानों को क्या किया, अंग्रेजों के सानिध्य में लाए, अंग्रेजों से उनका तालमेल ज्यादा बनाया। प्रारंभ में फिलहाल उनका लक्ष्य जो है कोई सांप्रदायिक नहीं था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदुओं और 1885 ईस्वी में जब अखिल भारतीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो वे इसके जो है कट्टर विरोधी बन गए। मतलब 1885 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई एओयूएम के द्वारा, तो वे क्या हुए, इसके कट्टर विरोधी बन गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन अथवा संयुक्त भारतीय वफादार समुदाय की स्थापना की। तो देखिए यहां जो है पहले तो इनका नहीं था ऐसा कुछ सोचना, लेकिन बाद में ऐसा हो गया। तो अब देखें ऑप्शन नंबर ए,
ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके जो और ऑप्शन है, अब वो जब सही ही नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कब? 1926 में, जब स्वराज पार्टी को प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करने के पश्चात। 1932 में, जब सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। देखिए, तब जब ऑप्शन नंबर डी 1939 में, जब प्रांतों में क्या हुआ, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया पूरी तरह से कि भाई हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, तब जो है इनको बड़ी खुशी हुई और मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुक्ति दिवस मनाया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभिनव भारत सावरकर, ऐसे याद कर लीजिए, अभिनव भारत सावरकर याद कर लें आप, तो अभिनव भारत का संगठन किसने किया? सावरकर जी ने, ये आपको दिमाग में तुरंत बना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर, ये ऐसे आप याद कर लेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं, मैंने तो ऐसे ही याद किया इसको। चलिए देखते हैं, तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में, 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, जो शीघ्र ही क्या हुआ, मेजिनी के तरुण इटली के नाम के पूरे तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक जो है गुप्त सभा अभिनव भारत में बाद में परिवर्तित हो गई। पहले इसका क्या नाम था, मित्र मेला, ये आपको ध्यान रखना है। और मित्र मेला का जो है कब हुआ था, 1904 में इसका गठन हुआ था मित्र मेला का, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले इस संगठन का नाम क्या था, मित्र मेला, अभिनव भारत संगठन का पहले नाम था मित्र मेला, और तरुण इटली भी आप याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर पहले आपको मित्र मेला याद रखना है, इसका पूर्व नाम क्या था, मित्र मेला, और 1904 में इसका गठन हुआ था। तो इसको किसने किया था, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 में वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1907 में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में स्थापित अनुशीलन समिति, जो आपको दिया गया है अनुशीलन समिति, बंगाल में प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ये क्या था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, और कहां था, कहां का, बंगाल का। घोष जैसे नाम आपको याद आ रहा, वरिंद कुमार घोष, तो देखिए ये बंगाली ही है, आप इनसे समझ लेंगे कि इसकी स्थापना कहां हुई, बंगाल में हुई, और अनुशीलन समिति है ये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस संगठन की जो प्रमुख पत्रिकाएं थी वो थी युगांतर और संध्या, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्या थी, युगांतर और संध्या, ये दो पत्रिकाएं थी, इनको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? आजाद हिंद फौज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आजाद हिंद फौज से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में पतन पर क्या हुआ, लगभग 40,000 भारतीय सैनिक युद्धबंदी बनाए गए, और उस समय फजी हारा में उन्हें मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया गया। मतलब ये जो 40,000 जो सैनिक जो युद्ध बंदी बनाए गए, युद्ध में जो जिनको बंदी बना लिया गया था, इनको जो है क्या किया गया, फूजी हारा है नाम, उसने क्या किया, इन्हें मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया। और इन युद्ध बंदियों को लेकर मोहन सिंह ने क्या किया, फिर इंडियन आर्मी एक बना ली, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय सेना, और
नाम से फिर क्या किया, इस नाम से आजाद हिंद फौज इन्होंने खड़ी कर ली, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना, और इसी नाम से क्या हुआ, आजाद हिंद फौज इन्होंने खड़ी की। और उसमें अब ध्यान दें कि उसमें जो सैनिक थे वो कैसे थे, युद्धबंदी बनाए गए सैनिक थे, और इन्हीं के सहयोग से इन्होंने ऐसा किया। और बैंकॉक सम्मेलन में प्रस्ताव के अनुसार कप्तान मोहन सिंह जो थे इस मुक्ति सेना के प्रधान सेनापति बना दिए गए, और बाद में सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने पर 2 जुलाई 1943 को क्या हुआ, उन्होंने सेना का फिर नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। मतलब इसके जो सेनापति, जो प्रथम प्रधान जो सेनापति थे, ये जो प्रथम सेनापति थे वो कौन है, मोहन सिंह, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रधान सेनापति कौन थे या प्रथम सेनापति कौन थे, तो मोहन सिंह। बाद में क्या हुआ, 1942 में देखिए ये हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1943 में ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई, जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंच गए तो 2 जुलाई 1943 को ये जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे लिखे गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं, जोनाथन डंकन कहीं दिया रहता है, कहीं जोनाथन डेकन दिया है, तो जोनाथन डंकन फिलहाल ज्यादातर आपको मिलेगा। और देखिए ये किससे संबंधित है, जोनाथन डंकन नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, संस्कृत से संबंधित विद्यालय की इन्होंने स्थापना की। लेकिन यहां जो है संस्कृत कॉलेज आपको ऑप्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5 है। तो देखिए जोनाथन डंकन यहां आप रखेंगे, कहीं कहीं डेकन भी लिखा रहता है, तो डंकन आप ध्यान देंगे, डंकन ही शुद्ध नाम है। ये संस्कृत कॉलेज बनारस से रिलेटेड है। सर विलियम जोन्स ने क्या किया, सर विलियम जोन्स, तो देखिए 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1781 में क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा मींस ऑप्शन नंबर बी स्थापित किया। अब इसके बाद देखें, फिर 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सर विलियम जोन्स ने कब की, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, इसकी स्थापना की। और इसके बाद देखेंगे आप 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे जोनाथन डंकन, इन्होंने संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की। तो देखिए यहां पर हमें लॉर्ड विलियम बेंटिक, अच्छा लॉर्ड विलियम, ये जो डी है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा, विलियम बेंटिक होना चाहिए, इस प्रकार से आप कर लें, लॉर्ड विलियम बेंटिक दिया हो या विलियम बेंटिक, तो देखेंगे इन्होंने किसकी स्थापना की, इन्होंने स्थापना की कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए जो ऑप्शन जो हम अब देख रहे हैं जो कि कौन सा इसमें कूट के हिसाब से, तो जोनाथन डंकन ए का 5वां मींस 5123, तो 5123 कूट कहां हमें मिलेगा वो हम चूज कर लें, 5123 मींस ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसका उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, तो निम्नलिखित में से कौन उसका सभापति चुना गया। देखिए इसके जो सभापति चुने गए वो थे मोतीलाल नेहरू, कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं को जो है
एक सर्वदलीय सम्मेलन के रूप में इकट्ठा किया गया और ये हुआ 1928 में। और लगभग 3 महीनों के प्रारंभिक विचार विमर्श के बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसे भारत के लिए भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको जो है क्या करना है, भारत के भविष्य या भविष्यमय भारत के लिए या भारत के भविष्य के लिए आप क्या करें, एक संविधान की रूपरेखा तैयार करें कि किस प्रकार का संविधान होगा। इस समिति ने अपना मसविदा जुलाई 1928 तक दे दिया, प्रकाशित कर दिया कि ये हमारा जो है प्रारूप है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन जो संग्रहित किए गए इस वीडियो के अंतर्गत ये पसंद आते हैं तो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।